हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी लर्न अवर सेकेंड लेसन, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। देयर आर द मेन फोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, एंड इन सभी पार्ट्स को कंटेन करके हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम आता है, जिसकी हेल्प के साथ आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इन चारों चीज़ों को आप केबल्स या वायर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच करते हो, तो हमारे पास ऐसा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है जिसके द्वारा आप अपना वर्क बहुत ही ईजी कर सकते हो एंड फास्टली कर सकते हो। दिस इज़ योर सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू की शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको आप ब्रेन भी बोलते हो कंप्यूटर का। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इजन इट? क्या ये सही है कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का? बिकॉज द ब्रेन कंट्रोल ऑल द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका भी एक ब्रेन होता है, हमारा एक दिमाग है, और वो हमारा क्या करता है कि हमारी बॉडी जो भी काम करती है उसको कंट्रोल करता है। तो सेम एज लाइक एज अ ह्यूमन बॉडी, हमारा ब्रेन हमारे सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो सीपीयू भी एक ब्रेन है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स वर्क कर रहे होंगे उनको कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू। ओके, दिस इज रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर्स एंड मदरबोर्ड। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू। नाउ वी लर्न कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डाटा कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ योर कीबोर्ड। ठीक है, इसकी बहुत सारी कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, स्पेस बार है और एंटर की है। इस पिक्चर में आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स किए हुए हैं, जिस पे रेड कलर है, देखो मैंने पहले से ही राइट कर दिया। आप लोगों ने भी अपनी बुक्स पे राइट करना है इसको, कि जो हमारी ग्रीन कलर है ये वाला, ये किसको शो कर रहा है? नंबर की इसको शो कर रहा है। ठीक है, और जो क्यान बार है वो है स्पेस बार। एंड यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड? स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। जो हमारा रेड कलर है वो अल्फ़ाबेट कीज़ के लिए डोनेटेड है, येलो कीज़ एंटर की है। ठीक है, जिस पर येलो कलर है वो एंटर की है, रेड कलर वाली अल्फ़ाबेट है, ग्रीन कलर वाली नंबर कीज़ हैं और क्यान वाली स्पेस बार। दिस इज़ योर मोनीटर। मोनीटर लुक्स लाइक अ टीवी। ठीक है, जो आपका मोनीटर होता है और आपका टेलीविज़न होता है वो सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही हमें अपनी आउटपुट देते हैं। टीवी पर आप अपनी मूवीज, सॉन्ग्स, बहुत चीज़ें देख सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो। सेम एज ये आप मोनीटर पर अपने कार्टून, सीरियल्स, मूवीज, सॉन्ग्स देख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ मोनीटर। यहाँ मॉनिटर में क्या होता है कि वर्ड्स एंड पिक्चर डिस्प्ले होती हैं। डिस्प्ले मतलब आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। यू कैन ऑल्सो सी द कार्टून्स ऑन इट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कार्टून दिख रहा है। ठीक है, तो इस कार्टून को आपने कलर करना है मॉनिटर स्क्रीन पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कलर टूल्स एंड देन माउस। माउस क्या होता है? ये हमारा हाउस वाला माउस नहीं है, ये हमारा कंप्यूटर माउस है। ठीक है, इसके तीन बटन्स होते हैं, ये आपका लेफ़्ट बटन है, ये राइट बटन है और ये आपका स्क्रॉल बटन है। ठीक है, तीन बटन्स हैं, टू और थ्री बटन्स होते हैं मेनली इसके, या फिर दो या फिर तीन। अभी यहाँ पे तीन है, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे ये वाली गर्ल यूज़ कर रही है, देखो। ठीक है, यहाँ पे इसका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, इसके हाथ में माउस है, ये वाला सीपीयू है, और माउस को इसने हैंड के साथ होल्ड करके पॉइंट कर करना है। ठीक है, तो माउस आपके लिए पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कंप्यूटर को पर किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और इसकी हेल्प के साथ आप किसी भी पिक्चर को बना सकते हो। ठीक है, या फिर किसी स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है तो आप माउस की मदद के साथ कर सकते हो।
उसके बाद आते हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, अभी हमने पार्ट्स के बारे में लर्न किया, तो अभी हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी लर्न करेंगे। फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम्स। जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है या फिर सीडी रोम होती है, वो दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस हैं और दोनों ही डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वो फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव में सेट की जाती है। दिस इज़ योर फ्लॉपी डिस्क और ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में सेट की होगी। ठीक है, और जो हमारी सीडी रोम होती है वो सीडी रोम ड्राइव में सेट की जाती है। यहाँ पे ऊपर आपका सीडी रोम ड्राइव है, यहाँ पे आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। तो फ्लॉपी डिस्क को आप यहाँ पे फिट करोगे और यहाँ सीडी रोम को आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? यू फॉर अनइंटरप्टेड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई। ठीक है, सपोज के जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप इन्वर्टर यूज़ करते हो। सेम एज कंप्यूटर में भी यही होता है कि जब आपके घर में लाइट चली जाती है और आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हो, ठीक है, और अचानक ही लाइट चली जाए तो आपका कंप्यूटर बंद होगा ना और आपका काम रुक जाएगा। तो उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए आप यूपीएस यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प के साथ क्या है कि कंप्यूटर थोड़ी देर और चलता रहता है लाइट जाने के बाद भी। ठीक है, और आप अपना काम है जो फिनिश कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है? सपोज दैट यू सीन द स्कूल रिसेप्शन टेक प्रिंट आउट। ठीक है, सपोज करो कि स्कूल के रिसेप्शन पे आपने प्रिंट आउट निकाले, तो आप प्रिंटर की हेल्प के साथ प्रिंटर आउट निकालोगे। जो चीज़ आपको मॉनिटर स्क्रीन पे नज़र आएगी, ठीक है, वो सेम एज आप प्रिंटर की हेल्प के साथ प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आता है माइक्रोफोन एंड स्पीकर। ये आपके माइक्रोफोन है, ये आपका स्पीकर है। ठीक है, जो आपके माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है और जो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि माइक्रोफोन के साथ आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस को और स्पीकर के साथ उसको सुन सकते हो। मैंने पहले बता दिया कि माइक्रोफोन को आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हो और स्पीकर को उसको लिसन करने के लिए। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर मैनर्स। ठीक है, कंप्यूटर को कैसे टच करना चाहिए, उसके पार्ट्स को कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं। जिस पिक्चर पे क्रॉस लगा है वो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, मतलब उसको आपने फॉलो नहीं करना, और जिस पे टिक लगा है, ठीक है, उसको ही आपने फॉलो करना है। ऐसे आपने कंप्यूटर के किसी चीज़ के पास आग नहीं रखनी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ क्या हो जाए वो हार्मफुल होगा हमारे लिए। और ऐसे ही आप उसको टच कर सकते हो। उसके बाद आता है जैसे कंप्यूटर को आपने, उसकी वायर्स होती हैं उसको टच नहीं करना किसी भी वायर को, और कंप्यूटर को आपको जब यूज़ करके बंद कर देते हो तो उसको अच्छे से कवर अप करके ही रखना चाहिए ताकि उस पर डस्ट ना डले। ठीक है, यहाँ तक आपका लेसन है जो सेकंड वो कंप्लीट होता है, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ लेसन टू। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने फेयर नोटबुक्स पे भी राइट करने हैं। ओके, अच्छी सी नीट एंड क्लीन राइटिंग में। व्हाट इज़ अ सीपीयू? व्हाट आर द फंक्शन? ठीक है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड? कीबोर्ड इज़ अ मीडियम टू सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन टू द सीपीयू। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ मॉनिटर? मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर्स। व्हाट इज़ द कंप्यूटर माउस? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम्स? तो दे बोथ आर यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है, ये दोनों ही डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स हैं। द माउस इज़ यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। द सी पी यू कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कीबोर्ड इज़ अ मीडियम टू सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन टू द सी पी यू ऑफ अ कंप्यूटर। अ मॉनिटर डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर्स। यू कैन नॉट सी कार्टून्स ऑन द मॉनिटर। फॉल्स।
देयर इज नो सिमिलर बिटवीन द टीवी और मॉनिटर, फॉल्स। फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम्स आर यूज टू स्टोर डाटा, ट्रू। एंड यूपीएस गिव्स द पावर बैक अप टू द कंप्यूटर, ट्रू। सीडी रोम्स कैन बी पुट इन अ फ्लॉपी ड्राइव, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके मैचिंग्स हैं। स्पीकर को स्पीकर के साथ मैच करना है, प्रिंटर को प्रिंटर के साथ, माइक्रोफोन को माइक्रोफोन के साथ, फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क के साथ, एंड यूपीएस को यूपीएस के साथ ही मैच करना है। ठीक है, अच्छे से देख लो। बुक वर्क और ये वाले क्वेश्चन आपने सेम एज ई बुक्स पे राइट करनी है, ऐसी ही बुक्स कंप्लीट करनी है लेसन टू तक। एंड ओनली आपने जो क्वेश्चन आंसर हैं वही अपनी फेयर नोटबुक्स पे राइट करने हैं। ठीक है, विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।